किसी का आंदोलन चल रहा था, जब मनुस्मृति ईरानी इस देश की शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने फैसला लाया था, उन्होंने हमारी सोच की फेलोशिप कट कर दी थी, जो नॉन में छात्र जो परिषद में आते थे उनकी फेलोशिप को बंद कर दिया था। तब एक आंदोलन दिल्ली से लेकर बनारस देश के विभिन्न कोनों में चल रहा था। उसी समय हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नवंबर 2015 में इसी दिल्ली में होते हैं और इग्नू की कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, उस कॉन्फ्रेंस में बयान क्या देते हैं उसी ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन पर तंज कसते हुए कि शोध की जो फेलोशिप होती है उससे छात्र बाइक खरीदते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, ये बताने का उचित मंच नहीं है। और छात्राएं दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं, सोचिए इतनी घटिया सब सोच होगी तो जाहिर सी बात है छात्र छात्राओं का ऐसे इंसान से, ऐसी व्यवस्था से, ऐसे विचार से टकराव होना लाजिमी है। वो हो सकता है कि ये टकराव 3 साल बाद हुआ, हमें लगता है कि जब आए थे उसी समय टकराव होना चाहिए, उसी समय ये बातें होनी चाहिए थी। साथियों, उनका दूसरा जो सबसे घटित बयान आता है, और जब 24/7 लाइब्रेरी आंदोलन जो कैंपस में चल रहा था, साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2012 में बीएचयू में एक लाइब्रेरी जो कि जिसे साइबर लाइब्रेरी कहते हैं, जो कि 24/7 वो लाइब्रेरी खोली गई थी, छात्र छात्राएं उसमें जाकर पढ़ाई करते थे। लेकिन जब जीसी त्रिपाठी वाइस चांसलर बनकर आते हैं तो उस लाइब्रेरी की टाइमिंग 24 घंटे से घटाकर 15 घंटे कर दी जाती है। और जब छात्र इसका विरोध करते हैं, जब हम लोग इसके खिलाफ हंगर स्ट्राइक पर गए तो इन्होंने बिना कोई जांच कमेटी बिठाए हम छात्रों को 2 साल के लिए इस कैंपस से, बीएचयू कैंपस से हम लोगों को सस्पेंड कर दिया। और क्या कहा, हम लोग उस समय भी आंदोलन कर रहे थे, उस समय कहा कि आंदोलन प्रायोजित है, इस आंदोलन को विदेशी फंडिंग हो रही है। सोचिए जिनके इस तरह की सोच जो है, जब मासूम छात्र लाइब्रेरी की डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारी लाइब्रेरी 24 घंटे खुलती थी उसे खोल दीजिए, और छात्राओं के लिए बस की सुविधा का संचालन के छात्रावास से लेकर लाइब्रेरी तक कर दीजिए। तो उस समय यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बयान आता है, रजिस्ट्रार के पैड पर लिख कर आता है, वो बयान ये था कि छात्राओं का रात में लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना अव्यवहारिक है। साथियों मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसे लोग हैं, ये कितने महिला विरोधी लोग हैं, महिलाओं के खिलाफ ये अपने दिमाग में कितना जहर रखते हैं, ये इतने जहरीले और सफोले लोग हैं, ये एक पुरुष और महिला, एक लड़के और लड़की के बीच के स्वाभाविक रिश्ते को ये क्या समझेंगे। साथियों तीसरा बयान इनका आता है, इनका तीसरा बयान आता है फरवरी 2017 में, उसमें ये कहते हैं जब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सवाल पहली बार कैंपस में उठा था और राज्यसभा में राज्यसभा के सांसद अनवर अली ने इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सवाल को जब राज्यसभा में उठाया था तो उस समय उनका वो जाकर महिला विद्यालय में जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन के सवाल पे बोलते हुए कहते हैं कि गांव में कोई महिला नहीं होती, कोई लड़की नहीं होती, वो होती है कि या तो किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है। अर्थात इनका कहना था कि महिला का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये महिला को स्वतंत्र नागरिक मानते ही नहीं, ये महिला को एक ह्यूमन बीइंग मानते ही नहीं। जब ऐसे लोग और ऐसी सोच होगी तो ऐसे टकराव होने ही हैं। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि इनका एक बयान और आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि साथियों इनका एक बयान और भी आया था जब हम लोग लाइब्रेरी आंदोलन में बैठे हुए थे कि ये छात्र, ये पढ़ने वाले छात्र नहीं है इन, हम लोग का वो कह रहे थे कि एकेडमिक बकायदे उन्होंने 2circles.net इनका एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने बकायदे ये लिखित बयान है उनका कि ये पढ़ने वाले छात्र नहीं है और लाइब्रेरी में जाकर छात्र पोर्न देखते हैं। उसी समय हम लोगों ने आईटीआई डाला कि
क्या बीएचयू में बोन साइटों की सर्फिंग की जा सकती है क्या? दूसरा सवाल था कि बीएचयू में किन किन कौन कौन सी प्रतिबंधित साइटें हैं, कितने प्रतिशत बोन साइटों की सर्फिंग हुई है। जब सारे जवाब मांगे, आरटीआई से जवाब मिला कि ऐसा ऐसी कोई जानकारी है ही नहीं। तो कुलपति बिना तथ्यहीन बिना किसी आधार के इस तरह के गलत आरोप छात्रों के ऊपर लगाते रहे। वो अपने ही छात्रों को, अपने कैंपस के छात्रों को एक तरीके से चरित्रहीन और न जाने क्या क्या कहते रहे, उनके बयान से ही जाहिर होता है। साथियों, ये दुर्भाग्य है कि हमारा विश्वविद्यालय जिसके 100 वर्ष पूरे हो गए, और जब इस विश्वविद्यालय के निर्माण के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, उसी समय हमारे कैंपस में एक और घटना होती है। एक मैग्सेसे अवार्ड विनर प्रख्यात समाज सेवी संदीप पांडे, जो आईआईटी बीएचयू में कभी विजिटिंग प्रोफेसर हुए थे, वो हुआ करते थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाकर कि वो नक्सली और देशद्रोही है, उन्हें कैंपस से निकाल कर बाहर कर दिया गया। जब संदीप इसके खिलाफ हम लोगों ने भी आंदोलन किया, और जब प्रोफेसर संदीप पांडे हाईकोर्ट जाते हैं, जब न्यायालय में जाते हैं, तो न्यायालय मानता है कि ये आप किसी को इस तरीके से नहीं निकाल सकते। आप न्यायालय ने अपने लिखित जो वर्डिक्ट था, उसमें न्यायालय ने कहा था कि वैचारिक विरोधी होने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई नक्सली या देशद्रोही है, और फिर से रिइंस्टेट करता है संदीप पांडे को। तो इस तरह की घटनाएं जो है हमारे कैंपस में लगातार चल रही है। रमार भाई जहाँ भी हो, तो मैं रमार भाई, तो इस तरह की चीजें चल रही है। साथियों, ये हमारे अस्तित्व और वजूद का सवाल है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि फैसला जो भी हो, किसी साहब आप बार बार चैनलों पे जा रहे हैं, आप कुलून बयान दे रहे हैं, आप तो ये भी कह रहे हैं कि बीएचयू में